तो चलिए फटाफट अंदाज में अब आप देखेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। देश के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब वासियों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा और बीजेपी पर प्रदेश में बंटवारे का आरोप लगाया। पूर्व पीएम ने कहा कि बीजेपी ने 7.5 साल में किए गए गलत कामों के लिए कभी माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि पीएम के पद की गरिमा होती है। पीएम ने कहा कि बीजेपी सब कुछ अच्छा दिखा रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि विकास योजनाओं को पूरा करने से होता है। सीएम योगी ने झांसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसपी बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि साइकिल को पंचर भी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कि अखिलेश अपनी योग्यता परखने के लिए अपर्णा यादव से बहस करें। हिजाब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बयान, बोले कोई बच्ची अपनी मर्जी के हिजाब पहनती और भगवा को किसी और पर नहीं थोप रहे। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गजवाए हिंद का जिक्र करने के सवाल पर किया पलटवार, बोले गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा ने शतक लगा दिया और पूरा काम तीसरा चरण में पूरा कर देंगे, सातवें चरण में बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे की जमीनें बेची जा रही हैं, ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने नसीरपुर में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने निशाना साधते हुए कहा कि पिछड़े और अति पिछड़ों दलितों का अपमान किया है, सरकार बनने पर विकास की बयार होगी। अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आलू के लिए विशेष पैकेज देकर किसानों की मदद करेंगे। पंजाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो निकाला, इस दौरान खुली गाड़ी में दिल्ली के सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का लोगों ने हर जगह पर स्वागत किया। फूल मालाओं से हुए स्वागत के बाद सीएम केजरीवाल ने आपके लिए वोट करने की अपील की। पंजाब में राहुल गांधी मोगा जिले बसी पठाना विधानसभा और फतेहगढ़ साहिब जिले की फतेहगढ़ साहिब विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव अपडेट, इस बार 65.37% हुई वोटिंग, 2017 में 65.56% लोगों ने किया था मतदान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से जारी फर्जी ट्वीट को लेकर मचा घमासान, मदन कौशिक ने कांग्रेस पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। चुनाव के नतीजों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं, हरीश रावत ने कहा। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल का बयान, उत्तराखंड निर्माण का अभियान रहेगा जारी, गंगोत्री के कामर गांव में लोगों से की मुलाकात। चमोली में वेतन भुगतान नहीं होने से श्रमिकों ने किया प्रदर्शन, वर्करों का आरोप दिसंबर से नहीं मिला वेतन। हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने की कार्रवाई, अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर सहित कई वाहनों को किया गया सीज। रामनगर कोतवाली परिसर में नशे पर लगाम लगाने के लिए गोष्ठी का आयोजन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए गए निर्देश। पौड़ी जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में दो गुलदार दिखाई देने से हड़कंप, प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को पकड़ा। ऋषिकेश में एक नशे में धुत कार चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोगों को मामूली चोटें। हरिद्वार की रावली महदूद में चाइनीज मांझेर से एक बाइक सवार युवक जख्मी हो गया, फिलहाल जख्मी युवक का इलाज अभी अस्पताल में जारी। बागेश्वर विधानसभा में गरुड़ कौसानी सड़क मार्ग पर जर्जर हालत, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का वीडियो सामने आया, जहां पर 15,000 फीट की ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में गश्त कर रहे जवान। मिर्जापुर के सीखड़ में दलित के घर आई बारात को ग्रामीणों ने पीटा, दूल्हे के साथ भी की गई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले को कराया शांत, सभी आरोपी हैं फरार। लेजेंड बप्पी लाहिड़ी का मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार किया गया, इस दौरान काफी संख्या में फिल्मी सितारे वहां पर मौजूद थे। बेटे बप्पा लाहिड़ी ने मुखाग्नि दी और विद्या बालन, शक्ति कपूर, सुनील पाल समेत कई अन्य सेलेब्स ने गायब को भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की।
12 साल बाद रजनीकांत संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिख सकते हैं ऐश राय बच्चन। मेकर्स थराइवार 169 में ऐश को साइन कराने के मूड में। डीजे टिल्लू का लोगो पर छाया कुमार सिद्धू जून लगड़ा और नेहा शेट्टी स्टार फिल्म का चौथे दिन रहा अच्छा कलेक्शन। बालिका वधू 2 अब जल्द हो सकती है ऑफ एयर, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगा स्ट्रीम। अभय 3 में हुई दिव्या अग्रवाल की एंटी, हैंडसम हंक तनुज वीरवानी संग करेंगे रोमांस। करण कुंद्रा के प्यार में खोई तेजस्वी प्रकाश, दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में मनाया वैलेंटाइंस डे। आसमान में आज दिखा स्नो मून, दुधिया रोशनी से नहाया आकाश, पूर्णिमा पर अद्भुत नजारा। एस्ट्रोजेनेका की कोविड वैक्सीन से आ रही दिक्कतें, देशों ने किया वैक्सीन वापस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा। सुमेला की राजधानी मोगादिशु में कई चेक पोस्ट पर आतंकी हमला, बच्चों समेत 5 लोगों की वहां पर मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज के दावे को किया खारिज, 6 फरवरी 2021 के हमले की जांच के लिए गठित किया व्हाइट हाउस पैनल। ईरान परमाणु समझौते पर फैसला कुछ दिन में, दूर फ्रांस ने कहा अब गेंद तेहरान के पाले में। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस पनडुब्बी गश्ती जहाज का कर रहा है निर्माण, मिसाइल और टारपीडो से लैस पनडुब्बी रडार को भी चकमा देने में सक्षम। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र को लाने की कवायद तेज, उड़ानों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम में मदद पर सरकार की जोर। खौफ के बीच यूक्रेन में लोगों ने मनाया यूनिटी डे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गाकर एकजुटता दिखाया। बेलारूस के तानाशाह और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में 18 फरवरी को मीटिंग, यूक्रेन से जंग पर होगी चर्चा। तनाव के बीच अमेरिका और नाटो का नया बयान, रूस सेना की वापसी के बदले बॉर्डर पर बढ़ा है अपनी सेना। ब्राजील के पेट्रोपोलिस सिटी में भारी बारिश के कारण बाढ़ का इलाकों में भरा पानी, 38 लोगों की वहां पर मौत। रिजर्व बैंक के मुताबिक बजट के प्रस्तावों और मौद्रिक नीति में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी, रिकवरी का रास्ते भी बने। एवीजी शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 23,000 करोड़ रुपए का है मामला। ब्रिटेन में सालाना महंगाई दर में 5.5% का इजाफा, मार्च 1992 के बाद सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति। 10 मार्च को ओपन हो सकता है LIC IPO, एक लॉट के लिए 14,700 रुपए लगाने होंगे, 7 शेयरों का हो सकता है एक लॉट।